अखनूर के प्राचीन कामेश्वर महादेव मंदिर में 12 फरवरी से श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कामेश्वर महादेव मंदिर के महंत महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास ने इसकी जानकारी आज मंदिर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि आगामी शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य पर प्राचीन कामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी ने बताया कि श्री राम महायज्ञ 12 फरवरी 2023 को शुरू होगा और 20 फरवरी 2023 को श्री राम महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। उन्होंने जम्मू की धार्मिक जनता से श्री राम महायज्ञ में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि लोग इस यज्ञ में बढ़ चढ़ कर भाग लें और पुण्य के बागी बने। 12 फरवरी को आ रही है और 12 फरवरी से राम महायज्ञ और राम कथा शुरू होने जा रहा है और यह पूर्णोति 20 को होने वाली है। आप सभी लोग इस राम महायज्ञ में और महाशिवरात्रि के भव्य कार्यक्रम में कामेश्वर महादेव में जलधारा करें, क्योंकि महाशिवरात्रि कामेश्वर महादेव में पुराने समय से मनाई जा रही है। आप इसी उपलक्ष पर राम महायज्ञ का आयोजन रखा गया है, तो आप सब लोग इस यज्ञ में शामिल होएं और भोलेनाथ से इस देश में सुख शांति हो, जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो, जम्मू कश्मीर में शांति हो। वहीं महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गौवंश की तस्करी को रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाने और गौवंश के तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि गौ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और उसके वध से हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में गौ हत्या करने और गौवंश की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे। अखनूर से न्यूज जम्मू के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। बढ़ती जा रही है, गौ की हत्या बढ़ती जा रही है। रात को मवेशी गांव-गांव से लाकर उठाकर और बाली क्षेत्र में भेजा जाते हैं, जिससे हिंदुओं का अपमान होता है, जिंदे हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात होता है। एलजी साहब, हम आपसे अपील करते हैं कि हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात ना हो और गौ माता सुख से रहे। अगर गौ माता सुख से रहेगी तो वो सबको आशीष देगी, आशीर्वाद देगी और जम्मू कश्मीर में